इंडियन कार ऑफ द ईयर अवार्ड आईकोटी, जिसे इंडियन ऑटोमोटिव सेक्टर में ऑस्कर के बराबर का वैल्यू दिया जाता है। ये अवार्ड हर साल नई लॉन्च हुई कार्स को दिया जाता है। इस अवार्ड को 2005 में कुछ सीनियर ऑटो जर्नलिस्ट ने मिलकर स्टार्ट किया था। इसमें एक जूरी डिसाइड करती है कि किस गाड़ी को अवार्ड देना है, और इसका क्राइटेरिया ये है कि कार कम्प्लीटली इंडिया में मैन्युफैक्चर हो, और इसमें प्राइस, फ्यूल एफिशिएंसी, स्टाइल, कंफर्ट, सेफ्टी, परफॉर्मेंस, प्रैक्टिकलिटी, टेक्निकल इनोवेशन और वैल्यू फॉर मनी के बेस पर सभी को ध्यान में रख के किसी एक कार को चूज़ किया जाता है। 2019 से प्रीमियम सेगमेंट, जिसका प्राइस 40 लाख से ऊपर है, और 2021 से ग्रीन कार्स को भी अवार्ड देना शुरू कर दिया गया। इस वीडियो में मैं आपको 2006 से लेकर 2023 तक के विनर्स के बारे में बताऊंगा। 2006 में मारुति सुजुकी स्विफ्ट ने पहली बार ये अवार्ड जीता था। 2007 में होंडा सिविक, 2008 में ह्यूंडई i10, 2009 में होंडा सिटी, 2010 में टाटा नैनो, 2011 में फोर्ड फीगो, 2012 में मारुति सुजुकी स्विफ्ट, 2013 में रेनो डस्टर, 2014 में ह्यूंडई ग्रैंड आइटन, 2015 में ह्यूंडई एलीट i20, 2016 में ह्यूंडई क्रेटा, 2017 में मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा, 2018 में ह्यूंडई वर्ना, 2019 में मारुति सुजुकी स्विफ्ट, प्रीमियम वाले सेगमेंट में वोल्वो XC40, 2020 में ह्यूंडई वेन्यू, प्रीमियम वाले सेगमेंट में BMW 3 सीरीज, 2021 में ह्यूंडई i20, प्रीमियम वाले सेगमेंट में लैंड रोवर डिफेंडर, और ग्रीन वाले सेगमेंट में नेक्सॉन ईवी। 2022 में XUV700, प्रीमियम सेगमेंट में मर्सिडीज एस क्लास, और ग्रीन वाले सेगमेंट में ऑडी ई-ट्रॉन। तो भाई, ये रही लिस्ट इंडियन कार ऑफ द ईयर विनर्स की।